इधर देखो ये नौलखा हार पहन रखा है, क्या नाम बताया तुमने? स्वार्थी। तुम्हारा? राखी। राखी। तुमने क्या बताया था? खुशी। खुशी, यहाँ देखो ये सबसे ज्यादा खुश है, ये इसका नाम खुशी है। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं और ये बड़ी बुढ़िया बैठी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप ये बताओ, ये बच्चों के लिए गहने बनाए, क्या बच्चों को पसंद है? जी। अच्छा अच्छा, आप कौन सा गांव है आपका? ये पूठन गांव है, इटावा जिला में पड़ता है। नमस्ते, नमस्कार सभी प्यारे देशवासियों को। और आज यानी कि 14 जनवरी के विशेष पावन उपलक्ष्य यानी कि मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हमें उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िला में, और पिछले वीडियो की भांति मैं कुछ यहां पर वीडियो के काम से ही आया हुआ था, तो यहां मैं रास्ते से गुजर रहा था। एक गाँव पड़ता है पूठन गाँव, और ये ज़िला इटावा का एक गाँव है, ये यमुना के किनारे पड़ता है। तो यहाँ कुछ बच्चे मुझे मिल गए, जब उन्होंने जाना कि आप YouTube पर वीडियो बनाते हो, तो वो जिद कर गए कि हमारा भी एक अच्छा सा वीडियो बनाओ। तो ये सरसों की फसल खड़ी हुई है सामने, और ये एक तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, और बीहड़ का दृश्य है, बहुत अच्छा दृश्य है। सरसों की फसल खड़ी हुई है और बड़ा ही मनभावक दृश्य, ये बच्चे खड़े हुए, ये कुछ हमसे बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इनसे मैंने बात की तो इन्होंने मुझे रोक लिया जब इनको पता चला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो प्यारे प्यारे बच्चे आप देख सकते हो, सबने एकदम नेचुरल गहने पहन रखे हैं। इन बच्चों से चल के बात करते हैं, और ये बड़ी बिटिया बैठी है, इसने ये गहने सभी बच्चों को पहनाए। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अंशु। सभी लोग एक बार अपना परिचय करा दो। तुम्हारा नाम? कृष्णा। कृष्णा, तुम्हारा नाम? स्वार्थी। तुम्हारा नाम? राखी। तुम्हारा? खुशी। तुम्हारा? अंशु। अच्छा, अभी कोई शिवानी भी था तुम में से, कौन है शिवानी? शिवानी इधर नहीं है। अच्छा अच्छा, इधर नहीं है शिवानी। हाँ तो अच्छा, आप ये बताओ, ये बच्चों के लिए गहने बनाए, क्या बच्चों को पसंद है? जी। अच्छा अच्छा, आप कौन सा गांव है आपका? ये पूठन गांव है, इटावा जिला में पड़ता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि हमको भी सारी प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक रहन सहन प्यारा है। और चंबल के बीहड़ के कई सारे वीडियो मैंने आज तक पहुँचाए, और इन बच्चों के वीडियो आप देखिए कितने प्यारे प्यारे गहने। अच्छा ये बड़ी बिटिया ये बताएगी, ये क्या क्या पहना है इन्होंने? झुमके, ये नेचुरल झुमके, गले का हार है, माथे की बेंदी। अच्छा इन सब ने ऐसे ही पहन रखे है, तो मत कितना खर्चा आया इन सब में? एक करोड़। कितना खर्चा आया? एक करोड़ का खर्चा आया, एक करोड़ का नहीं, एक करोड़ का, एक करोड़ का खर्चा आया। अच्छा हम समझे एक करोड़ का आया है। बहुत प्यारे बच्चे, देखो खूब हंस खिल रहे हैं अच्छे से। और इधर देखिए सरसों की फसल खड़ी है, इधर से इन्होंने फूल तोड़े हैं, और ये एक भैया खड़े हैं सामने। क्या नाम है भाई साहब? सत्येंद्र सिंह। आपका खेत है? हाँ। देखिए बहुत बड़े किसान हैं, दिल के बड़े हैं ये, इन्होंने मना नहीं किया। ये इतने सारे बच्चों ने फूल तोड़े और इस बड़ी बिटिया ने सबको सजाया, तो इन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया कि फूल मत तोड़िए। उन्होंने कहा भाई बच्चे हैं, उनका मन रख लीजिएगा। पीछे एक पेटी रखी हुई है, आग भी जल रही है, और बहुत सारे लोगों को जैसे ही पता पड़ा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो ये तुरंत आ गए। तो भैया का भी कुछ हाल चाल जान लेते हैं। और भाई साहब कैसी चल रही ज़िंदगी? बढ़िया चल रही है। ये तार वार इंतजाम लगा रखा है? लेकिन गाय की बहुत समस्या खराब है, गाय की बहुत समस्या है भाई। देखिए योगी राज में और गोवंश जो है इतने आवारा घूम रहे हैं, और बीहड़ में पहले से समस्या थी, अब कुछ ज़्यादा ही समस्या है। एक बार इन बच्चों से और मिल लेते हैं। बहुत खुश हो रही। क्या नाम है? अर्पित। अच्छा मैं समझा लड़की है। तुम अपना नाम बताओ अपने मुँह से एक बार। क्या नाम है? नाम बताओ। अच्छा मतलब गहने पाके शर्मा रहे हो। इधर देखो ये नौलखा हार पहन रखा है, क्या नाम बताया तुमने? स्वार्थी। तुम्हारा? राखी। राखी। तुमने क्या बताया था? खुशी। खुशी, आ देखो ये सबसे ज्यादा खुश है, ये इसका नाम खुशी है। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, और ये बड़ी बुढ़िया बैठी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, इसने हमको अपना कीमती समय दिया और सारे बच्चों को गहने पहनाए। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सारी बच्चियों को सचमुच के गहनों से ऐसे ही लाभ दे। बहुत अच्छे बच्चे, मुझे मिलकर इनसे बहुत अच्छा लगा। और कई सारे लोग हैं, गिफ्ट गिफ्ट तुमको कल मिल जाएगा। पूठन गांव का वीडियो सर्च मारना, आ जाएगा ये वीडियो, ठीक है? अरे यही पहचान है यार तुम्हारे गांव की सबसे बड़ी। अच्छा तो आरती जी, आपका क्या नाम? आरती बताया था। अच्छा आपने इन बच्चों को सजाया है, आपको भी ये चीज़ें पसंद है? तो अच्छा अच्छा, हम लोगों ने आपका वीडियो जो बनाया है कैसा लगा आपको? अच्छा आज त्योहार था, खिचड़ी का है, तो मकर संक्रांति के लिए क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सब लोग खुश रहे, एकदम मस्त रहे,
अच्छे से रहें, अच्छे से रहें। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे YouTube चैनल सीन भारत की तरफ से सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, जिसको मकर संक्रांति भी कहते हैं, लोहड़ी नाम से हरियाणा में जानते हैं और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीत रिवाज के अनुसार और कई सारी मान्यताओं के हिसाब से त्यौहार मनाया जा रहा है। तो एक बार सभी बच्चे जोर से हंस दो, ये देखो ये बहुत अच्छे से हंस रहा है ये। हाँ तो चैनल के लिए कुछ बोल दो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चैनल का नाम सीन भारत, सीन भारत, सीन भारत। चैनल को वीडियो जो है इसके लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे शेयर कर दो, है ठीक है। अब आपके गांव फिर कभी आएंगे, ठीक है। इस बार आपको बहुत अच्छा लगा मुझे पता है, हमें भी आपसे मिलकर के अच्छा लगा। तो साथियों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।